आज 12 फरवरी रविवार और रात्रि को हम मर्दानपुर के इस ममलेश्वर मंदिर में रुके थे और यहाँ पर ये बाबा जी है जिन्होंने हमें रात्रि में भोजन कराया और यहाँ पर रुके और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे सुबह के अभी 7 बजे और यहाँ पर हम रात्रि में रुके थे और अब यहाँ से आगे बढ़ रहे नर्मदे हर। और हमारे दो साथी गोविंद दादा और नंदू दादा पीछे रह गए थे यहाँ से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वो भी अभी आ रहे रास्ते में, तो हम आगे मर्दानपुर के सड़क पर मिलेंगे। नर्मदे हर। और वहाँ देखिए सुबह सुबह दो मोरों के दर्शन हो गए। ठीक है। और यह है मर्दानपुर गांव। हम आश्रम को दूसरे रास्ते से गए थे और अब निकल दूसरे रास्ते से रहे। वो पीछे मर्दानपुर गांव है, वहां से मैं थोड़ा आगे आया और यहां से सूर्यदेव के भी दर्शन हो गए। नमो सूर्यदेवाय। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जयंती दादा हमारे पीछे, जो गोविंद दादा और नंदू दादा पीछे रह गए थे नलवाई में, वो आ रहे थे उनको लेने के लिए रुक गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं दादा लोगों के मुकाबले चल नहीं पाता हूँ, इसलिए थोड़ा आगे जाके बैठूँगा, तब तक वो लोग आ जाएंगे। अभी यहाँ से आवरी घाट की दूरी 2 किलोमीटर बता रहे, अभी देखते हैं कितना। और मर्दानपुर से थोड़ा ही आगे आते मुश्किल से 500 मीटर तो दो रास्ते आते, ये लेफ्ट वाला पता नहीं कहाँ जाता है मगर ये सीधे वाला आवरी घाट को जाता है, तो हम सीधे वाले रास्ते से जाएंगे। और ये किसी गांव में रास्ता जा रहा है, यहाँ से मैं आया हूँ। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आमली घाट 4 किलोमीटर और जहाज पूरा 18 किलोमीटर, तो ऐसा है। नर्मदे हर। हाँ, और ये आ गए हमारे नंदू दादा और गोविंद दादा। यार और आगे से एक रास्ता सीधा जाता है और ये दूसरा राइट वाला रास्ता जाता है, यही आवरी घाट को, वो आगे एरो लगा हुआ है। और एक सीधा रास्ता पोंगरा जाता है, ये भी परिक्रमा मार्ग ही है, यहाँ से भी बहुत से लोग जाते हैं और जिन्हें आवरी घाट जाना है वो राइट की तरफ मुड़ते हैं। तो हम आवरी घाट जाएंगे क्योंकि दर्शनीय स्थल है आवरी घाट। और आगे फिर से देखो कोहरा आ गया और कोहरे की वजह से थोड़ी दूरी पर हमारे दादा लोग जा रहे हैं मगर दिखाई नहीं दे रहे। मर्दानपुर से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर आते हैं ये रास्ता, तो यह कॉर्नर पर एक होटल है कीर केसरिया रेस्टोरेंट, और यहाँ से हमें ये राइट वाला मार्ग पकड़ना है। यहाँ से आवरी घाट 1 किलोमीटर है, मतलब कि हम 3 किलोमीटर चल कर आए मर्दानपुर से। कीर केसरिया होटल वो सामने, यहाँ से आया तो यहाँ पर बोर्ड है मर्दानपुर, सलकनपुर, रेहटी, भोपाल और होशंगाबाद। तो होशंगाबाद इस तरफ क्यों बता रहा मुझे पता नहीं, क्योंकि होशंगाबाद तो इधर है ना, उत्तर तट, दक्षिण तट पर है। ये आगे ब्रिज आता है, शायद कोई नदी है या नाला होगा, और मैंने मैप में अभी अभी देखा तो होशंगाबाद दक्षिण तट पर ही है। यहाँ से ब्रिज से होकर रास्ता जा रहा होगा इसीलिए किलोमीटर पे होशंगाबाद का नाम है। थोड़ा आगे आने पर ये बोर्ड लगा हुआ है आंवली घाट लेफ्ट की तरफ और हतनापुर एवं धर्मकुंडी सीधा। नर्मदे हर दादा, नर्मदे हर।
ये सीधा ब्रिज को हतनापुर और धर्मकुंडी जाता है, और जो नीचे रास्ता जाता है ये आंवली घाट को जाता है। ये जो ब्रिज बना हुआ है इसके नीचे से हम निकल के आए, और आगे ये मैया पे ब्रिज बना हुआ है जहाँ से होकर हतनापुर जाते हैं, और ये सीधे हम घाट पर आ गए। यहाँ पर गेट बन रहा है, और पहुंच चुके हम आंवली घाट। बहुत बड़ा घाट है, और सामने बहुत बड़ी शिव शंभू की प्रतिमा है वो सामने के घाट पर है, और उसे भी आंवली घाट ही बोलते हैं। और ये है आंवली घाट। मैया में जल तो बहुत कम है यहाँ पर, और वहाँ दूर वो गांव दिखाई दे रहा है, कल हम गए थे मंडी गांव। और यहाँ पर हम आज मैया में स्नान करेंगे, और यहाँ से हम मंदिर के दर्शन कर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, और ऊपर बहुत ही प्राचीन रामचंद्र जी की मूर्ति लगी हुई है। कई खंभों पर स्थापित है ये मंदिर, स्थिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पर ये नर्मदा मैया की बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, हाथ में शिवलिंग है। और इस तरफ भगवान राम, जानकी मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। आंवली घाट से हम इस ब्रिज के नीचे से आते तो ये पगडंडी का रास्ता है, और आगे आने पर ये फेंसिंग की हुई है और एक दरवाज़ा लगाया हुआ है। इससे निकल कर सामने वो मंदिर है, तो इसी रास्ते से हम आगे जा रहे हैं, और इसको कर देते बंद। मैया के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। आगे कोई पुराना आश्रम या मंदिर है, मैया के किनारे पे एक मंदिर है शंकर जी का, और ये जर्जर अवस्था में आश्रम है। यहाँ पर ये छोटी सी नाव भी रखी हुई है, शायद पानी आता होगा तब काम में लेते होंगे कभी। और इस तरफ
किसी संत की समाधि है। यहाँ से हम उस मंदिर से ऊपर चढ़ गए तो ये रास्ता मिला है खेतों के बीच से, तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है वहाँ से हमें पक्की सड़क मिलेंगी ऐसा बताया। रास्ते से चलते हुए हम इस पानी की टंकी के पास आए और यहाँ से हमें लेफ्ट को रास्ता जा रहा है जहाँ पर झंडी लगी हुई है, तो उधर हम जाते हैं। और जो आवरी घाट है वो सिर्फ घाट के नाम से ही प्रसिद्ध है, बाकी गांव बिल्कुल छोटा सा है। और यहाँ पर जो आश्रम है एक दो, उनमें भी परिक्रमा वासियों के रुकने की कोई व्यवस्था हो सकती है इसकी गारंटी नहीं है, किसी किसी की हो सकती है किसी की नहीं हो सकती। और ठीक ऐसा ही बावरी घाट में भी है, तो पीछे हम कल छोड़ के आए वहाँ पर भी एक नर्मदा मैया का मंदिर है और कहते हैं कि अनछत्र है, मगर वो लोग भी ठीक से प्रतिसाद नहीं देते, अगर उनके गले कोई पड़ी जाए तो रखते हो गए, बाकी सिर्फ नाम का ही अनछत्र है। और यहाँ से हमें पक्की सड़क मिल गई है, तो लेफ्ट वाला रास्ता आवरी गांव को जाता है, तो सामने कुछ मकान दिखाई दे रहे वो आवरी गांव है, और ये राइट वाला आगे परिक्रमा मार्ग है। और अभी सुबह के 11 बजे और गांजीत होते हुए हम पथौड़ा गांव पहुंचे। नर्मदे हर बेटा। पथौड़ा में भी आश्रम है तो वहां जाएंगे। पथौड़ा गांव में ये मंदिर है और इसके पास ही आश्रम है, और पथौड़ा में बहुत ही पुराने और खूबसूरत मकान हैं, बहुत सारे ऐसे मकान हैं। ये मंदिर है पथौड़ा गांव का और मंदिर के पास में ये आश्रम है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट बाथरूम भी अंदर ही है।